नाजरीन आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेख रशीद किस चीज का कारोबार करते हैं और 37 साल से जापान के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद और मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान के दरमियान झगड़ा इन दिनों सियासी हलकों में जेर बहस है। तफसीलात के मुताबिक शेख रशीद भी जापान में कारोबार करते हैं और इस हवाले से वो जापान आते और जाते रहते हैं, जबकि नून लीग की तरह शेख रशीद की जमात के कई कारकुन इस वक्त भी जापान में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद अहमद जापान में कालीन बनाने के लिए जो रेशम इस्तेमाल होता है इसकी बरामद का बिजनेस करते हैं और वो ये कारोबार गुज़िश्ता 3 दहाइयों से कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रेशम का कारोबार शेख रशीद का खानदानी बिजनेस है और इस हवाले से वो जापान की कई अहम तिजारती शख्सियात से मुलाकातें भी करते रहते हैं और जब वो जापान जाते हैं तो इनके जाने का मकसद कारोबार ही होता है।